Hey guys, welcome to my channel again. आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे नॉन कॉन्टैक्ट एसी वोल्टेज डिटेक्टर जो मैंने अमेजोन से मंगाया है। इसकी MRP 800 rupees लिखी हुई है यहाँ पे। सो ये बॉक्स कुछ इस तरह से है, थोड़ा हार्ड बॉक्स है, प्लास्टिक लैमिनेशन करके दिया हुआ है। नॉन कॉन्टैक्ट एसी वोल्टेज डिटेक्टर, इंटेलिजेंट टीम, स्मार्ट इनोवेटिव मैन्युफैक्चर, सो मेड इन चाइना। और उसके बाद में ये सब सेम चीज़ सारी बॉक्स पे, सारी जगह पे लिखी हुई है, नथिंग न्यू। बट चलो इसको देखते हैं अनबॉक्सिंग करके क्या है, कैसे चलता है ये। सो ये बॉक्स की कंडीशन कुछ ऐसी है। इसके बाद में सब फिजिकल टेप वगैरह लगा के रखे हुए हैं, कोई सील्ड वगैरह नहीं है। देखते हैं अनबॉक्सिंग करके क्विकली इसमें क्या क्या मिल रहा है हमें। सो बॉक्स के साथ, बॉक्स के अंदर हमें ये मिल रहा है यूजर मैनुअल, कैसे इसे यूज करना है। गाइस ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है और जिससे शॉक लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो इंस्ट्रक्शंस मैनुअल ठीक से पढ़ के ही इसे ऑपरेट करिए। कोई भी ओपन टर्मिनल को आपने टच किया तो मेबी आपको शॉक लग सकता है 230 वोल्ट का। ये क्या क्या फंक्शन है पैनल डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं। सेफ्टी नोटिस दी गई है एक्चुअली। इसके बाद में इसके अंदर टेक्निकल स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं इसके, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है और ऑपरेशन इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। ऑन ऑफ कैसे करना है, वोल्टेज डिटेक्शन कैसे करेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, आप एक बार इसे पढ़ लीजिए। इसके बाद में ये कुछ तो एडवर्टाइजमेंट होगी शायद से। या ये दो कार्ड्स दिए हैं, ये इनका कस्टमर सर्विस नंबर दिया गया है यहाँ पे, इनका कार्ड है ये, और डिस्काउंट कूपन भी दिया गया है कोड के साथ अगर आपको कुछ परचेज करना है इनके थ्रू। इसके बाद में ये बार कोड दिया है, एमिकी कार्ड। ओके, इसके बाद में ये छोटा कार्ड है, सेम थिंग, बार कोड स्कैन के करना है। अगर ये इसको ई वारंटी है जिसको आप रजिस्टर कर सकते हैं ऑनलाइन कोड स्कैन करके, ये थैंक यू कार्ड। ये दो बैटरीज दी गई है, ट्रिपल ए अल्कलाइन बैटरीज सोनी। और इसके बाद में है अपना मेन इक्विपमेंट, पैकिंग क्या कहना। एनीवेज इसे क्विकली बैग से निकाल के देखते हैं। और okay, प्लास्टिक फेंक दें यहाँ पे, ये बहुत ही हल्का है दोस्तों, हार्डली कुछ 20-30 ग्राम का होगा 100%। एनीवेज एमएंग कंपनी है, VC1018 इसका मॉडल नंबर है, डिजिटल वोल्टेज टेस्टर, 12-1000 वोल्ट एसी 50-60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तक ये काम करता है। ओके, यहाँ पे पावर बटन दिया गया है, ये टॉर्च लाइट दी गई है, ये स्विच कुछ बटन है, ये एमिकी सेंस करके ब्रांड है,
और ये बैटरीज इंसर्ट करने के लिए दिया गया पोर्ट है। क्वालिटी अच्छी है, इतने भी खराब नहीं है। ये एलईडी लाइट है और ये सेंस करने के लिए सेंसर है यहाँ पे, वोल्टेज इंडिकेशन सेंस करने के लिए। ये ट्रिपल ए साइज बैटरीज प्लस माइनस सिंबॉलिक तरीके से दी गई है। सो ये प्लस एक अंदर जाएगी, ये दूसरी प्लस और एक मैं यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ। ये दोनों बैटरीज यहाँ पे इंसर्ट हो गई है, इसे लॉक कर देते हैं। ओके अभी मैं इसे पावर ऑन कर रहा हूँ। ये देखिए इसके बाद में टॉर्च अच्छी खासी है। ये अंदर की लाइट ऑन करता है। क्या इसका फंक्शन है मैं आपको बताता हूँ अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास ये बेल्किन का एक्सटेंशन बोर्ड है, जो मैं अभी इसे यहाँ पे लेके जा रहा हूँ। सो ये इंडिकेशन दे रहा है विद बीप हाई वोल्टेज। ये नेगेटिव टर्मिनल पे कनेक्ट किया तो ये लो बता रहा है थोड़ा, बट यहाँ पे अगर करूँ तो ये देखिए फुल वोल्टेज दिखा रहा है, और अगर मैं और इंसर्ट करूँ तो ये हाई वोल्टेज बता रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसे कनेक्ट करूँ ये चार्जर पे तो देखिए इसकी वोल्टेज हाई बता रहा है, हाई वोल्टेज बता रहा है। अगर मैं यहाँ पे करूँ हाई, अगर वुडन पे करूँ थोड़ा लंबा, और तो जहाँ जहाँ पे ये वोल्टेज डिटेक्ट करेगा वहाँ वहाँ पे अलार्म करना चालू कर देगा। जैसे मैं ये केबल पे यहाँ कर रहा हूँ, ये चार्जर है, ये चार्जर पे मैं करता हूँ, सी यहाँ पे भी हाई वोल्टेज बता रहा है। इसका एक ही फायदा है दोस्तों कि ये केबल ट्रेस करने के लिए बहुत काम पे आएगा। चलो इसे टेस्ट करते हैं माउस पे, जहाँ पे बैटरी इंसर्टेड है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे है, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ये ऑटो कट ऑफ है, जो अगर पावर ऑन इसकी 5 मिनट तक रहेगी तो 5 मिनट के बाद ये अपने आप बंद हो जाएगा। ये एसी स्विच डिटेक्शन के लिए स्विच दिया गया है, तो इसका फीचर भी देख लेते हैं। ये एक्चुअली सेंसिटिविटी एडजस्टमेंट स्विच है, जैसे कि अभी यहाँ पे लेके जाऊँ तो ये देख रहे हो, अगर मैं प्रेस करूँ तो एडजस्टमेंट सेंसिटिविटी डिटेक्ट करना चालू करेगा। ओके बट ये एसी वोल्टेज पे फ्रीक्वेंसी आपको 100% बताएगा। ये मैं अभी वापस कर रहा हूँ, देखिए हाई बताएगा। सो ये जहाँ पे भी आपको कभी केबल ट्रेस करनी है पावर की, कहीं डिटेक्शन कहीं ब्रेक हो गई है, तो ये आपको हेल्प करेगा वॉल के अंदर वगैरह अगर कंसील केबल है तो, और कहीं पे भी शॉर्ट है या कुछ है तो ये आपको हेल्प करेगा डिटेक्ट करने के लिए, इंस्टेड ऑफ कोई टच करके चेक करने से अच्छा। या वो जहाँ पे स्क्रू ड्राइवर या टेस्टर नहीं चलता वहाँ पे ये अच्छी तरह से काम करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे अभी फ़ोन पे भी दिखा देता हूँ आपको, ये मेरा फ़ोन है आईफोन, इसे मैं अभी देखते हैं इसमें भी डिटेक्शन होता है कि नहीं होता है वोल्टेज का। बैटरीज इंसर्ट है तो मैं अभी इसे ऑन करता हूँ स्विचिंग का। सो देखिए यहाँ पे इसका डिटेक्शन बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखेगा कि इसका डिटेक्शन हो रहा है। क्योंकि पीछे इसके प्लास्टिक कवर है, तो मैं अगर प्लास्टिक कवर निकाल दूँ तो आपको इसका डिटेक्शन आपको पता चल जाएगा।
ये फुल्ली सिरेमिक की एल्युमिनियम का ग्लास बॉडी है। देखिए यहाँ पे बैटरी इंसर्ट है तो आपको ये बताएगा, जहाँ पे भी सप्लाई दिख रहा है जैसे वुडन पे नहीं करेगा डिटेक्ट। ओके बट यहाँ पे देखिए सेंसिटिविटी इसकी सेट करनी। ओके यहाँ पे दिखाना है चालू करेगा, और अगर मैं पावर सॉकेट स्विच के पास लेके जाऊँ तो देखिए इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हाई है। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस डिवाइस। होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ भी कमेंट्स या क्वेश्चन है तो मुझे पूछ सकते हो आप कमेंट्स बॉक्स में। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thanks a lot.